पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। शिवपुरी जिले से भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी का पलायन जारी। आज फिर एक बार पोहरी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले सिंधिया समर्थक भाजपा नेता एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अरविंद धाकड़ चकराना ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता एवं प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक पद से त्याग पत्र भाजपा जिला अध्यक्ष के नाम जारी कर दिया है। बता दें कि अरविंद धाकड़ वर्तमान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अरविंद धाकड़ ने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उपेक्षा और सम्मान न मिलने से भाजपा के कल्चर को नहीं समझ पा रहा हूं। बता दें कि अरविंद धाकड़ आगे किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस्तीफा देते ही पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री पर लगाए आरोप। अरविंद धाकड़ ने बताया कि शिवपुरी की भाजपा सिंधिया लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। आज भाजपा में कार्यकर्ताओं को गुलाम समझा जाता है, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता है। मुझे मेरे क्षेत्र में काम करने की ललक थी लेकिन भाजपा ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अवगत कराया गया। अरविंद धाकड़ का कहना है कि पोहरी क्षेत्र में बीजेपी के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे लेकिन इस क्षेत्र में जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। बीजेपी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हूँ। पोरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अरविंद धाकड़ चकराना है, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, वर्तमान में जिला संयोजक, जिला सह प्रकोष्ठ का पद है पोरी जिला, जिले में पोरी में। तो आप क्या करने वाले हैं इस बार, क्या करने वाले? मेरा 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली थी सिंधिया जी के साथ। 3 साल का जे कार्यकाल और एन कॉलेज छात्र संघ से लेकर और आज तक सिंधिया जी के साथ तन मन धन से काम किया था। लेकिन अफसोस है कि मैं अपने आप को एक टगा महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज शिवपुरी जिले में भाजपा सिंधिया निष्ठ एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और मेरा मानना है कि आज बीजेपी के कार्यकर्ता को गुलाम समझा जाता है, उनका मान सम्मान नहीं होता है। हम इस बात से दुखी हैं कि हमें क्षेत्र में एक काम करने की झलक थी लेकिन हमें उस तरफ बीजेपी ने कोई ध्यान नहीं दिया और बार बार महाराज को, सिंधिया जी को अवगत कराते रहे। लेकिन पोरी में जो स्थानीय विधायक है, उनका भाई, उनका पुत्र, उनकी इतनी तानाशाही है कि निर्दोष लोगों पर झूठे केस लगाने के प्रयास करते हैं। साथियों, आज समय आ गया है बीजेपी की इस तानाशाही और झूठ परेबी को धिक्कारते हुए और आज लड़ने का संघर्ष करना पड़ेगा। और इस रावण जैसे पौरी में जो एक भूमिका निभा रहे हैं, उनको साथियों कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं लगातार लोग भारतीय कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते आ रहे हैं या जब विधानसभा टिकट के चक्कर में आ रहे हैं, ऐसा तो आपके साथ नहीं है? साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरी कार्यशैली को पूरी विधानसभा जानती है कि छात्र संघ से लेकर आज तक जो मैंने संघर्ष किया है, छात्र संघ में मैं अध्यक्ष भी रहा, मैं यूथ कांग्रेस का पहले कांग्रेस में प्रेसिडेंट भी रहा, जनपद का उपाध्यक्ष रहा, पूरा कार्यकाल जो 7 साल का कार्यकाल था पूरी सक्रियता के साथ निभाई। और उसके बाद में भी आज खुद का एक फोटो लगा के जिला पंचायत का चर्च बेल्ट से गेंदलाल आदिवासी को मेरे कार्यकर्ताओं ने 4,000 मतों से जिताया। साथियों, इसके बाद हम काम करने में निष्क्रिय हो चुके हैं क्योंकि मंत्री जी की बहुत तानाशाही चल रही है। कौन से मंत्री? सुरेश राठ के राज्य मंत्री, पीडब्ल्यूडी। और चर क्षेत्र में जो भी विकास कार्यों की जो जिला पट्टिका या लोकार्पण या उद्घाटन होते हैं जिला पंचायत के, हमारे एक आदिवासी जिसको दलित समझा जाता है उनकी नज़रों में, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी कभी आमंत्रित नहीं किया, अनदेखा किया। आपने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, आज आपने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, क्या कारण है? पहले तो मैं सभी पत्रकार भाई बंदियों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन। साथियों, मेरे पत्रकार बंदियों एवं मीडिया के सभी भाइयों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैंने क्यों त्याग पत्र दिया है।
कि आज से 3 साल पहले सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था और